आगरा के फतेहपुर सिकरी में कुछ युवाओं के द्वारा रविवार को फिर से एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें कि ये छेड़छाड़ का मामला किसी लड़की से नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड से आए हुए जोड़े के साथ हुआ है, जिनका नाम है क्वेंटिन क्लर्क और मेरी ड्रॉक्स। युवाओं ने इन्हें एक घंटे तक परेशान किया, इतना ही नहीं उन्होंने इन पर पत्थरों और छड़ियों से हमला भी किया। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस जोड़े ने चार युवाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिनमें से एक गिरफ्तार हो गया है। इस शर्मनाक हमले के बाद पीड़ितों को आगरा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस मसले के बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आगरा में आए स्विट्जरलैंड कपल पर रविवार को हुए हमले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। सुषमा ने इस कपल पर हुए हमले को साझा करते हुए ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने इसे अभी देखा और मैंने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मंत्रालय के अधिकारी हॉस्पिटल जाकर पीड़ित जोड़ी से मिलेंगे। वहीं इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार का एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।